इंदौर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में पुलिस और प्रशासन कोरोना को हराने में जुटा है। इस दौरान पुलिस भी महामारी के खतरे से बाहर रहे, इसलिए विभाग ने सुरक्षा के तमाम कदम उठाए। खजराना CSP SKS तोमर के अनुसार कोविड के खतरे को देखते हुए खजराना थाने को समय समय पर सैनिटाइज किया जाता है। कई रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी, ऐसे में हमने खजराना थाने को लेकर कोरोना को लेकर तैयार किया है। थाने पहुंचने वाले फरियादियों को कांस्टेबल द्वारा स्क्रीनिंग की जाती है और ऑक्सीमीटर से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी जांची जाती है। साथ ही थाने पर मौजूद अधिकारी के पास भी प्रोटेक्शन रहेगा और आवेदन लेने से पहले उसे सैनिटाइज किया जाएगा। सर, कोविड-19 के संक्रमण से एक तरफ तो पुलिस डिपार्टमेंट बाहर लोगों को जागरूक कर रहा है कि इससे संक्रमण से बचे, जैसे में सर आप ऑफिस में भी उसको लेके पूरी सुरक्षा एहतियात बरते जा रहे हैं। सर, आपके ऑफिस में भी सर बात की जाए ग्लास की और सैनिटाइजर की और एक UV मशीन जो अल्ट्रावायलेट कितने वाली, जिससे अब दस्तावेज भी सैनिटाइज होंगे। सर देखिए, ऐसा है कि जैसा पहले भी कहा गया है कि हमको कोविड के साथ रहकर काम करने की और जीने की आदत डालनी पड़े, इसके मतलब इसके मद्देनजर ही हमने थाना खजराना को भी कोविड के लिए वर्किंग के लिए तैयार करा है और उसके साथ साथ हमारा ऑफिस भी हमने तैयार करा है। थाना खजराना को जैसा आपने देखा होगा कि आप जैसे ही गेट में एंट्री करेंगे तो आपकी सबसे पहले एक कांस्टेबल रहेगा जिसकी ड्यूटी रहेगी कि वो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग करेगा, फिर उसका आपका ऑक्सीमीटर से आपका सिचुएशन देखेगा बॉडी में आपके ऑक्सीजन का, फिर आपकी एंट्री थाने में होगी। उसके बाद जब आप थाने में जाते हैं सबसे पहले आपको पैर अपने जो जूते हैं वो सैनिटाइज करने के लिए मिलेगी, वो आप सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद आप डे अफसर के पास जाएंगे और डे अफसर के पास भी एक प्रोटेक्शन होगा ग्लास का और आपको बात करने के लिए माइक होगा जिससे आप उसको बात कर पाओगे। दोनों 2-way माइक हैं जिससे आप बात करेंगे और बात करने के बाद जो भी आपकी कंप्लेंट है वो ली जाएगी और उसी विंडो पर एक UV ओवन लगाया गया है जिससे आपका आवेदन या दस्तावेज जो आप लाए हैं वो उससे सैनिटाइज होकर उस ड्यूटी अफसर को मिल जाएगा अंदर। उसके बाद जो विधिवत कार्रवाई होगी आपके साथ की जाएगी। प्रयास यही है कि हमारा और हमारा स्टाफ सुरक्षित रहे ताकि हम जनता की सेवा कर सकें। अगर हमारा स्टाफ ही संक्रमित हो गया तो हमको फिर काम करने में तकलीफ आएगी। जैसा कि आपको पता कि काफ़ी गत दिनों से लॉकडाउन चल रहा था जिसके अंदर सभी लोग घरों में थे और जब से अनलॉक 1 आया तो जैसी संभावना थी कि जब सड़क पे पब्लिक आएगी तो निश्चित रूप से अपराध बढ़ने की संभावना थी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे पूर्वी क्षेत्र के SP साहब श्री शिव कुरेशी साहब ने और एडिशनल SP राजेश अग्रवंशी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक सतत अभियान चला रखा है जिसको कि रात में कॉम्बिंगस करके जो लिस्टेड बदमाश हैं और जो आवारा तत्व हैं जो घूम रहे हैं जिनसे कि घटना की होने की संभावना रात में बनी रहती हैं उन पर हमारी निगाहें रखी जा रही हैं और उन पर लगातार धरपकड़ की जा रही है। पहले भी अभी 3 दिन पहले भी ये कार्रवाई की गई थी, आज रात में भी फिर कार्रवाई की गई और जिसके अंदर हमने हमारे थाना क्षेत्रों के निगरानी बदमाश और जो रिकॉर्डेड व्यक्ति हैं आपराधिक रिकॉर्ड वाले उनके खिलाफ कार्रवाई की है और इसके अंदर हमने करीबन 10 व्यक्तियों के खिलाफ एक्साइज एक्ट की कार्रवाई करी है और करीबन इससे यही 8-9 व्यक्तियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई और गुंडे बदमाशों की चेकिंग की गई, करीबन 25 गुंडों की चेकिंग की गई रात में और HS जाहिरा बदमाश जो होते हैं उनकी भी 20 लोगों की उसमें चेकिंग की गई और जिसके अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और निश्चित रूप से इससे अपराध नियंत्रण में सहयोग मिलेगा। सर, आगे की कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी? सर, ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी क्योंकि जैसे जैसे अनलॉक बढ़ता जा रहा है तो वापस लोग क्राइम की ओर जाने की संभावना निश्चित बनी हुई है, इसको देखते हुए ये लगातार सतत अभियान जारी रहेगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।